हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में शारदीय नवरात्रि के सातवें नवरात्रि व्रत की तिथि, माँ कालरात्रि का स्वरूप, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा सामग्री और माँ कालरात्रि का प्रिय रंग, भोग और मंत्र। साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर ने एक बार देवी को काली कहा था, तभी से इनका एक नाम काली भी पड़ गया। माँ का नाम लेने से दानव, भूत, प्रेत, पिशाच भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप काला है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा का सातवां स्वरूप माता कालरात्रि है। नवरात्रि में सातवें दिन महासप्तमी पड़ती है। इस दिन माँ दुर्गा के सातवें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है, व्रत किया जाता है। माँ अपने भक्तों को शुभ फल देती है, जिस कारण इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से आकस्मिक संकटों से छुटकारा मिलता है और माँ कालरात्रि की पूजा से भय, रोग और शत्रुओं का नाश होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में शारदीय नवरात्रि का सातवां नवरात्र व्रत कब है और माँ कालरात्रि का स्वरूप, पूजा का शुभ मुहूर्त, इस दिन बनने वाले शुभ योग और पूजा विधि। साथ में जानेंगे माँ का प्रिय भोग, माँ का प्रिय रंग और माँ को प्रसन्न करने के लिए मंत्र और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। दुर्गा पूजा के सातवें दिन महासप्तमी होती है और इस दिन माँ दुर्गा के सातवें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। सदैव शुभ फल देने के कारण इनको शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि का वाहन गर्दभ यानी कि गधा है। 21 अक्टूबर को नवरात्रि का सातवां दिन पड़ रहा है। विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा करने से हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं, शत्रुओं का नाश होता है। पौराणिक मान्यता है कि माँ कालरात्रि असुरी शक्तियों का विनाश करने वाली देवी मानी जाती है। माँ काली की तरह ही देवी कालरात्रि ने दुष्टों और राक्षसों के दमन के लिए ही ये संहारक अवतार लिया था। जो लोग शनि की महादशा से पीड़ित हैं, उन्हें महाकाली की पूजा अवश्य करनी चाहिए, यानी कि 21 अक्टूबर को जो सातवां नवरात्र व्रत है, तो माँ कालरात्रि की उपासना जरूर करें। ऐसा करने से शनि की 7.5 और ढैया के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि के सातवें व्रत के पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2023 में नवरात्रि की सप्तमी तिथि और सातवां नवरात्र व्रत 21 अक्टूबर शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन नवपत्रिका पूजा और सरस्वती पूजन भी किया जाता है। सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 20 अक्टूबर को रात्रि के 11:24 पर। सप्तमी तिथि शुरू हो चुकी है और सप्तमी तिथि समाप्त होगी 21 अक्टूबर को रात्रि के 9:53 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह के 6:25 से 8:17 तक।
आइए जानते हैं कि महाकाल रात्रि का स्वरूप कैसा है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी कालरात्रि के शरीर का रंग अंधकार की तरह काला है। काला रंग होने के कारण इन्हें कालरात्रि और भक्तों को शुभ फल प्रदान करने के कारण इन्हें शुभंकरी कहा जाता है। ये देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में सातवां स्वरूप है। माँ गर्दभ पर सवार रहती हैं और इनके केश खुले हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं और दोनों बाएं हाथों में कटार और लोहे का कांटा धारण किए हुए हैं। वहीं माँ के 2 दाएं हाथ में अभय मुद्रा और वर मुद्रा में हैं। माँ के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विख्यात और गोल हैं। माँ के गले में सफ़ेद विद्युत की माला धारण किए रहती हैं। आइए जानते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा में कैसे रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए, यानी कि माँ का प्रिय रंग क्या है, माँ के पूजा में कौन से फूल अर्पित करने चाहिए और किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माँ कालरात्रि को भोग के रूप में गुड़ बहुत पसंद है, इसलिए नवरात्रि की सप्तमी के दिन माँ को गुड़ का भोग लगाना शुभ होता है। साथ ही आज के दिन ब्राह्मणों को गुड़ का दान करने से और ग्रह दोष दूर होते हैं और माँ जल्दी ही प्रसन्न होती हैं। तो माँ को गुड़ का भोग लगाने के बाद आप ब्राह्मण को गुड़ का दान जरूर करें। माँ का पसंदीदा रंग है लाल। इनकी पूजा में लाल गुलाब या लाल गुड़हल या रात रानी का फूल अर्पित करना चाहिए। आइए जानते हैं कालरात्रि की पूजा विधि। दोस्तों, माँ कालरात्रि की पूजा रात्रि यानी कि निशिता काल मुहूर्त में करना शुभ माना गया है। माँ कालरात्रि की पूजा में सलेटी रंग के वस्त्र पहने, यानी कि शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की सप्तमी तिथि को प्रातःकाल स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करें, गणेश जी की पूजा करें, फिर माँ कालरात्रि का आवाहन करें। पूजा स्थल में धूप दीप जलाकर माता को कुमकुम, रोली, अक्षत, गंध और लाल रंग के पुष्प, 5 प्रकार के फल और गुड़ का भोग अर्पित करें। इसके बाद माँ कालरात्रि के मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम देवी कालरात्रि नमः, या फिर ओम कालरात्रि नमः, या फिर क्लीम ऐं श्रीं कालकाय नमः। इनमें से आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप व्रत कथा जरूर पढ़ें और आरती करें। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले यानी कि सप्तमी तिथि की रात को माँ कालरात्रि के बीज मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। ऐसा करने से माँ काली की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा मान्यताओं के अनुसार माँ की पूजा और साधना मध्य रात्रि में की जाती है, क्योंकि इस समय माँ कालरात्रि की आंखें खुलती हैं। सप्तमी की रात में माँ काली को लौंग का जोड़ा अर्पित करने से कार्यों में विजय प्राप्त होती है। आज के दिन माँ कालरात्रि को लाल गुड़हल या फिर लाल गुलाब के पुष्प अर्पित करें। ऐसा करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव समाप्त होते हैं। इसके अलावा आज के दिन धन प्राप्ति के लिए माँ कालरात्रि की रात्रि के समय पूजा करें। इस समय 108 बार गुलदावरी फूलों से माला बनाकर देवी माँ को अर्पित करें और देवी माँ के 32 नाम का जाप करें तो लाभ होता है। रात के समय 108 बार जाप करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और
हमारे घर में धन की कमी नहीं रहती है, धन में वृद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा दोस्तों, नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर रात्रि के समय निशा की पूजा की जाती है, जिसमें तांत्रिक माता का अनुसरण करते हैं, सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं। आम लोग इस रात देवी माँ की पूजा श्रृंगार करते हुए शुरू करते हैं और फिर एक जोड़ा श्रृंगार के सामान को माता को अर्पित कर देते हैं। जोड़े में एक को मंदिर में रख दिया जाता है और दूसरे को भक्त को प्रसाद समझकर अपने पास रख लेना चाहिए। ऐसा करने से माता प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा मनोकामना पूर्ति के लिए इस दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का 125,000 बार जाप करें। ऐसा करने से दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से, यानी कि मंत्र जाप के साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना है तो लाभ होता है। ये लाभ तब दोगुना हो जाता है जब रात्रि में जागरण किया जाए। विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए 125,000 बार माता के दिए गए बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, कानूनी मामलों से निजात पाने के लिए नवरात्रि की सप्तमी तिथि की रात्रि में कालरात्रि की पूजा के बाद पेठे की बलि देने की परंपरा है। गुड़ से बनी मिठाई या भोजन माता को भोग के रूप में अर्पित करें और इस दौरान ओम कालरात्रि देवे नमः, ओम कालरात्रि माता देवे नमः इस मंत्र का जाप करते रहें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने पर हमें हर कार्य में विजय प्राप्त होती है, बल की प्राप्ति होती है और कानूनी मामलों से निजात मिलती है। इसके अलावा नवरात्रि के सातवें दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुभ होता है। इस दिन रात को लाल कंबल के आसन पर विराजें, यानी कि लाल कंबल के आसन पर बैठ करके माता कालरात्रि के मंत्रों का श्रद्धा से जाप करें तो ऐसा करने से महाकालरात्रि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इच्छाओं की पूर्ति होती है। घर या परिवार के सदस्यों पर अगर नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है तो वो दूर होती है। धन बल और आरोग्य के साथ साथ सुख में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि इस जानकारी से किसी और का भी भला हो सके, किसी और को भी लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव, जय माता दी। माँ का त्यौहार आया है, रंगीन खुशियाँ लाया है, हर मनोकामना पूरी हो हम सबकी, वरदानी का आशीष छाया है। जय माता दी। जब जब याद किया तुझे ए माँ, जब जब याद किया तुझे ए माँ, तूने आंचल में अपने आसरा दिया, कलयुगी इस जहाँ में एक तूने ही सहारा दिया। जय माता दी।